जीएसटी से जुड़े चारों बिलों के लोकसभा से पास होने के बाद अब केंद्र सरकार 1 जुलाई से इसे पूरे देश में लागू कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार जीएसटी से जुड़े सारे नियम कानूनों को फाइनल करने में लगी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 13वीं बैठक हुई। बैठक के एजेंडे में इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल, वैल्यूएशन रूल, ट्रांजिशन प्रोविजनल और कंपोजिशन के लिए जीएसटी के नियमों के मसौदे को मंजूरी देना प्रमुखता से शामिल था। कुछ बदलावों के साथ जीएसटी काउंसिल ने चारों नियमों को मंजूरी दी। अब इस फाइनल ड्राफ्ट को लोगों के समक्ष रखा जाएगा ताकि उद्योग जगत के सुझाव लिए जा सके। उन सुझावों के आधार पर अगली बैठक में इसको अंतिम तौर पर मंजूरी मिलेगी। द काउंसिल हैज डिसाइडेड दैट द फाइनल करेक्टेड ड्राफ्ट एज अप्रूव्ड टुडे विल बी पुट अप इन पब्लिक सो दैट द इंडस्ट्री if it wants to make any suggestions can do so and if any changes are required on basis of the industry suggestion once we incorporate the suggestions if any then this tentative approval that we made today would in the next meeting be taken up for consideration and affirmed and become a final approval itself. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेंट, रिफंड और इनवॉइस, डेबिट क्रेडिट से जुड़े नियमों को भी मंजूरी दे दी। 5 रूल्स अमेंडेड ड्राफ्ट्स वर सर्कुलेटेड टुडे एंड अ फाइनल अप्रूवल वाज ग्रांटेड ऑन द अमेंडमेंट्स व्हिच हैव बीन मेड इन टर्म्स ऑफ द इनएक्टमेंट्स इटसेल्फ। सो टुडे एज द पोजीशन स्टैंड आउट ऑफ द 9 सेट ऑफ रूल्स द ओरिजिनल 5 which we had approved have been corrected in terms of the amendment and brought in consonance with the act. Those now become final. अब 18 और 19 मई को परिषद की 14वीं बैठक श्रीनगर में होगी। अगली बैठक में अहम एजेंडा सेवाओं और वस्तुओं की दरें तय करना होगा। लोगों की सबसे अधिक नजरें इस बात पर हैं कि कई हजार वस्तुओं और सेवाओं पर क्या दर तय होती है, क्योंकि इनका असर कंपनियों पर ही नहीं आम आदमी पर भी होना है। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे आम आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स का इंसिडेंस है कि जैसे वेट प्लस एक्साइज ड्यूटी का कितना रेट उनके ऊपर है, वो कमोडिटी के ऊपर, तो उसके नजदीक वाले स्लैब में हम उनको फिट कर देंगे उस आइटम को। सो अपने आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल अभी 16-17% का टैक्स लग रहा है तो 18% के स्लैब में ऑटोमेटिक आएगा, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अपने आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी कमोडिटी होगी कि जिसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम कि भाई 18 रखना है कि 12 रखना है, उस तरह का डिसीजन कुछ कमोडिटी में हो सकता है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि कृषि क्षेत्र पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगेगा। गौरतलब है कि जीएसटी को आजादी के बाद का देश का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना जा रहा है और इससे एक देश एक कर की व्यवस्था लागू होगी। जीएसटी लागू होने के बाद दर्जन भर से ज्यादा टैक्स खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह सिर्फ जीएसटी लगेगा। इससे न केवल कारोबारियों को बल्कि जनता को भारी फायदा होगा। सिद्धांत सिब्बल के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।